हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हर्षित पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अंतिम महाद्वीप के संबंध में, जो कि है हमारा अंटार्कटिक। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपने पहले के 6 महाद्वीप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना अंटार्कटिक महाद्वीप। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 7 महाद्वीप हैं। हमें पता है कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उनके क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, सातों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया, दूसरे नंबर पर है आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है आपका दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पर है आपका अंटार्कटिक जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, छठा है आपका यूरोप और सातवां है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा आपका महाद्वीप कौन सा है, तो यह है एशिया। सबसे छोटा आपका है ऑस्ट्रेलिया, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आपका है रूस। सबसे छोटा है आपका वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे नंबर पर है आपका कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर यूएसए अमेरिका, पांचवे नंबर पर ब्राज़ील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर है आपका भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये होती हैं बातें कुछ प्रमुख। अब शुरू करते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप को। देखिए, अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात कर चुके हैं, यह महाद्वीप 3 महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाले थे केवियन विलिंग्स सासेन। वह 1820 में वस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर मुख्य भूमि तक पहुँचे थे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्ण आच्छादित हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यह कहते हैं आपका यूरोप प्रायद्वीप को, सॉरी यूरोप महाद्वीप को। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे नॉर्वे निवासी इमंड सेन 1911 में, और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे सबसे पहले रॉबर्ट पियरे। ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। अगला पॉइंट है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का आकार अलग अलग होता है, तभी इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न ये। अगला पॉइंट है, क्वीन मूड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला पॉइंट है, माउंट एरेबुस अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरेबुस। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे भारत के संबंध में, अंटार्कटिक में मतलब उसने क्या क्या किया, सबसे पहले व्यक्ति कौन सा गया, तो उसके विषय में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे 7ों महाद्वीप खत्म हो जाएंगे। तो अंटार्कटिक में क्या क्या हुआ, क्या किया भारत ने, तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 में अंटार्कटिक में स्थापित किया गया और ये अब नष्ट हो चुका है। अगला पॉइंट है, 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई थी। ये पूछे जाते हैं पॉइंट। और लास्ट पॉइंट है हमारे इस वीडियो का, और काफ़ी मज़ा आया पढ़ने में महाद्वीपों को, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा महाद्वीपों को पढ़ने में। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, लार्समन हिल में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो भी खत्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।